हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीतीज कुक हाउस। आज मैंने यहाँ पर स्मोकी वेज बिरयानी बनाई है और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कितना स्मोक निकल रहा है इस वेज बिरयानी में से। और मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके पहले देख लेते हैं कि क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं। यहाँ पर मैंने खड़े मसाले लिए हैं, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, काली स्टार और ज़ीरा। चलिए अब वेजिटेबल्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स दी हैं और मैं बता देती हूँ मैंने कौन कौन सी ली। यहाँ पे हरी मिर्च, स्वीट कॉर्न, बॉयल्ड पीस, बॉयल्ड न्यूट्रेला और यहाँ पे चॉप किया हुआ अनियन, लहसुन, अदरक, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, लंबा कटा हुआ प्याज, फ्रेंच बीन्स और पनीर। चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ मैंने यहाँ पे 2 कटोरी राइस लिए हैं और इनको मैंने सोक करके रख लिया था। और अब मैं इनको बॉयल करूँगी। बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा भगोना लिया है और उसमें पानी डाला है और गैस को हाई फ्लेम पे रखा है। उसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता, दालचीनी के टुकड़े और अब इसमें डाल रही हूँ मैं लौंग, स्टार और ये डाली हूँ कुछ काली मिर्च के दाने। अब हम इसमें राइस डाल देंगे बॉयल करने के लिए और इनको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। अब मैं इसमें यहाँ पर नमक डालूँगी और 2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कर दीजिएगा। चलिए जब तक चावल यहाँ पे बॉयल हो रहा है और तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे गैस पर फ्राई पैन रखा है और उसमें मैंने ऑयल डाला है। अब हम वेजिटेबल्स को डीप फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे गोभी फ्राई करने के लिए रख दी है और उसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और इनको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी एक प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, गोभी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इनको प्लेट में निकाल रही हूँ और अब मैं इसमें नेक्स्ट वेजिटेबल डालूँगी, वो है न्यूट्रेला। देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे न्यूट्रेला डाली हूँ। ये बॉयल किया हुआ न्यूट्रेला है और अब मैं इनको भी बाहर निकाल लेती हूँ। ये भी फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हम सारी वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे। ये डाल रही हूँ मैं पनीर। पनीर में ऊपर से हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और उसको तब फ्राई कर लेंगे। देखिए पनीर भी फ्राई हो चुका है और अब मैं इसके बाद डालूंगी गाजर। गाजर को भी हम फ्राई कर लेंगे और ये हो गई अब गाजर भी हमारी फ्राई। हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब डाली हूँ मैं इसमें फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स भी फ्राई करके प्लेट में निकाल लेते हैं। अब डाली हूँ मैं ओनियन, जो लंबा कट किया हुआ था वो डाल रही हूँ और इनको मैं फ्राई करके वो भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैं ओनियन को भी फ्राई करके निकाल ली हूँ और सारी वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी है। यहाँ पे रखी है मैंने बड़ी कढ़ाई और उसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, 2 बड़े चम्मच है और उसमें डाली हूँ मैं ज़ीरा। यहाँ पे बड़ा बर्तन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसी में ही हम चावल को बिरयानी को बनाएंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बड़ी इलायची और यहाँ पे चॉप किया हुआ प्याज। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे, प्याज को अच्छे से भून लेंगे, पिंक कलर आ जाएगा तब तक भूनेंगे। और इसी में ही हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये मैं डाल रही हूँ लहसुन और अब जा रहा है ये अदरक। अब इसमें डाली हूँ मैं हरी मिर्च, जो हमने कट करके पहले से ही रखी हुई है वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न ये देखिए स्वीट कॉर्न
डाल दिए मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पीस मटर, और अब इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च, क्योंकि ये वेजिटेबल्स हमने फ्राई नहीं की थी, इसलिए इनको प्याज के साथ ही हम भून लेंगे। अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक थोड़ा सा, और जो हमने वेजिटेबल्स पहले से डीप फ्राई करी थी, अब उन वेजिटेबल्स को हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें डाले हैं बिरयानी मसाला, और ये जा रहा है आधा चम्मच काली मिर्च, और इसमें थोड़ा सा पानी। अब इनको हम एक बार घुमा देंगे सब्जियों को, ताकि मसाला अच्छे से लग जाए। और थोड़ी सी अब डाली हूँ हल्दी इसमें। हल्दी से क्या होगा, इसका थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा, इससे मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है। और अब हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे, ताकि सब्जियाँ जो हैं, जो हमने सब्जियाँ डाली थी, वो सॉफ्ट हो जाए। और एक बार बीच में हम घुमा देंगे इस तरह से। अब देखिए, जो सब्जी फ्राई हुई है उनको मैं आधा अलग प्लेट में निकाल ले रही हूँ। बताती हूँ बाद में कि जो मैं सब्जियाँ निकाल रही हूँ उसका मैं क्या करूँगी। चलिए अब देख लेते हैं, चावल बॉयल हो चुके हैं, मैंने चावल को निकाल लिया है। और अब मेन देख लेते हैं, इसमें कलर, फूड कलर मिला रही हूँ मैं। मैंने यहाँ पे दो कटोरी ली है, और एक में डाली हूँ मैं ऑरेंज कलर, और दूसरे में डाली हूँ मैं येलो कलर, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं चावल को मिक्स कर लेंगे, जो ऑरेंज कलर का चावल रखना है उसमें डाल देंगे ऑरेंज कलर वाले उसमें, और एक में डाल देंगे येलो कलर वाले में चावल। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऑरेंज कलर, अब ये बना रही हूँ मैं येलो कलर। ये देखिए दोनों का परफेक्ट कलर आ गया, ये येलो कलर, ये ऑरेंज कलर। चलिए अब जो वेजिटेबल्स फ्राई हो रही थी, अब हम उसमें वाइट वाले राइस को ऐड कर देंगे, और अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़े से ऑरेंज वाले राइस, और साथ ही में मैं थोड़े से डाल रही हूँ येलो राइस की लेयर। और अब हम जो सब्जियाँ हमने बचा के रखी थी वो वाली इसमें सब्जियाँ ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और अब हम डालेंगे ऊपर से फिर से वाइट वाले राइस, और फिर से वही प्रोसेस येलो राइस, और उसके बाद फिर डलेगा ऑरेंज राइस। इस तरह से हम लेयर बना लेंगे। और ऊपर से डाल रही हूँ मैं हरी धनिया, फ्रेश हरी धनिया। और अब हम इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए रख देंगे सिम पे। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, इसमें स्मोक कैसे लगाना है। मैंने यहाँ पे कोयला लिया है, और मैंने इसको गैस पे इस तरह से मैं कोयले को जला रही हूँ। देखिए कोयला बिल्कुल अच्छे से जल चुका है। अब मैं ये कोयला उसमें बिरयानी वाले पॉट में, मैंने कटोरी रखी है और उसमें कोयला इस तरह से डाली हूँ। ऊपर से डाली हूँ देसी घी, और हम इसके ऊपर लिड लगा के रख देंगे। ये देखिए इस तरह से, और लिड के ऊपर जो छोटा छेद है मैंने उसमें यहाँ पे लौंग लगा के बंद कर दिया। देखिए कितना स्मोक आ गया है उसमें, और बहुत ही अच्छी वेज बिरयानी बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना स्मोक निकल रहा है, और इस स्मोक की जो खुशबू है ना, वाकई बहुत मज़ा आ जाता है खाने में, और घर पर सबको बहुत पसंद आई वेज बिरयानी ये। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम स्मोकी वेज बिरयानी बनाई थी, और बहुत सबको बहुत पसंद आई, इसलिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि ये सबको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।